नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नंदुजार सीके चैनल पर। और वीडियो की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसमें लिखा गया है वन क्वाड्राना विक्टोरिया इंपेरस ईयर 1901, इसका वैल्यू कितना होगा। तो ये कोपरनिकल के सिक्के होते हैं जो कि कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं। आप डिजाइन देख सकते हैं सिक्के की, और ऐसे सिक्के वैसे तो रेयर ही होते हैं लेकिन कंडीशन वाइज रेयर होते हैं। ध्यान देना इन सिक्कों में, कोपरनिकल से बने हुए सिक्के इनको संभाल के रख पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो ये सिक्के जो रेयर होते हैं, ईयर वाइज रेयर होते हैं, लेकिन 1901 का जो कोपरनिकल का ये वन क्वाड्राना है विक्टोरिया इंपेरस का, इस सिक्के की कीमत 50 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक हो सकती है, 1500 भी हो सकती है अगर आपको यूएन सी कंडीशन में सिक्का मिल जाता है। लेकिन आज के टाइम पर अगर आपको कोई भी सिक्का मिलेगा बाहर में, जो सर्कुलेशन में सिक्का मिलेगा, तो वो सिक्का कंडीशन में नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। यूएन सी कंडीशन 1000 है और फाइन कंडीशन के सिक्के की कीमत मात्र 50 रुपए है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये सिक्का इतना रेयर क्यों है, क्योंकि इस सिक्के को ओनली खरीदा ही जा सकता है। सर्कुलेशन में पड़ा हुआ सिक्का खराब हो जाता है, काट लग जाता है इस सिक्के में, तो ऐसे सिक्के सर्कुलेशन में नहीं मिलेंगे आपको। और अगर आपके पास 1901 का ही सिक्का है तब भी आपके सिक्के की कीमत 50 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। अगर आपने संभाल के रखा होगा तो फिर उसकी वैल्यू अलग हो सकती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पास में सभी 25 पैसे के सिक्के हैं, आकर ले जाओ, 500 सिक्के हैं 25 पैसे के। तो आपके पास है 25 पैसे के 500 सिक्के हैं, तो हमें आके ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने 500 सिक्कों का कलेक्शन किया है तो सीधी सी बात है आपने ऐसे ही बिना जानकारी के ही सिक्के जमा किए हैं। और वो सिक्के हो सकता है उनके अंदर कोई महंगा सिक्का भी हो, कीमती सिक्का निकल आए, लेकिन अगर आपने जानकारी के बगैर उस सिक्कों को जमा किया है तो सबसे पहले तो अगर उसमें कोई रेयर वैरायटी का सिक्का है तो वो भी स्क्रेच हो गया होगा और उसकी भी वैल्यू डाउन हो गई होगी, कंडीशन अच्छी नहीं रहेगी तो वैल्यू कम हो जाती है। इसीलिए अगर आपको कोई भी सिक्का सील करना है तो सबसे पहले उसकी जानकारी लेनी है, और जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल पे दिखाया गया वीडियो अच्छे से देखना है। वीडियो में बताया गया कीमती सिक्का आपके सिक्के से मैच करवाना है तभी वो सेल होगा, वरना कॉमन सिक्का 500 नहीं आप 1000 करेंगे तब भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, वो किलो के भाव में जाने वाले हैं। तो हो गया आपके 25 पैसे का जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1977 का 1 रुपए का सिक्का है, प्लीज सर रेट बताइए। तो 1977 का जो 1 रुपए का सिक्का होता है, बड़ा वाला सिक्का होता है जो आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऐसे जो भी सिक्के हैं इनमें कॉमन सिक्के की वैल्यू 10 रुपए से ज्यादा नहीं होती है, और इसमें जो रेयर वैरायटी का सिक्का होता है वो 1970 का होता है, मुंबई मिंट का। बाकी सभी सिक्के कॉमन की कैटेगरी में आते हैं। अगर आपके पास 1977 का है तब भी कॉमन है, 1976 का है तब भी कॉमन है, और 1975 का है तब भी कॉमन है, और 1980 का है तब भी कॉमन है। इसमें आपको 1970 का मुंबई मिंट का सिक्का है वही देखना है, वही रेयर है, उसी की वैल्यू मिलती है। वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैशटैग एनजीसी लगाकर पूछा है, जसवंत सिंह सहारनपुर से हूं भाई, मेरे पास 1984, 1985, 1986, 1987 का 5 सिक्के हैं, इनकी कीमत क्या होगी प्लीज बताइए। तो सबसे पहले तो आपने ना तो ये लिखा है कि 1 रुपए के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, ईयर वाइज आपने पूछा है, लेकिन आपके पास कौन सा सिक्का है ये आपने लिखा ही नहीं है, डिनोमिनेशन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी nandu.rj23 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहां पे आपको इन सिक्कों की जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो पूछा गया है विदेश मिंट का पहचान क्या होता है। तो विदेशी जो भी मिंट मार्क है वो आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये कुछ विदेशी मिंट मार्क है जहां पे इंडियन करेंसी को मिंट किया जाता है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको देख के आप पहचान सकते हैं। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन है वो है 1975 का 25 पैसे का हैदराबाद मिंट का प्राइस कितना होगा। तो 1975 में जारी किया गया 25 पैसे का सिक्का कॉमन ही होता है और इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा आपको 10 रुपए मिल सकते हैं यूएन सी कंडीशन में। 1975 में जारी किया गया हैदराबाद मिंट का सिक्का कॉमन की कैटेगरी में आता है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी है, मेरे पास 2013 का 1 रुपए का सिक्का है जो एक साइड से उल्टा दिखाई देता है, क्या इसकी कीमत क्या होगी। तो 1 रुपए का अगर आपका सिक्का उल्टा है 2013 का, तो ये सिक्का एक रोटेशन कॉइन है और इसकी वैल्यू हो सकती है आज के टाइम पर 500 रुपए तक।
वो डिपेंड करेगा कि आपका सिक्का किस कंडीशन में, अगर घिसा पिटा ज्यादा है तो फिर वैल्यू और भी कम हो सकती है। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पास में 1991 का नोएडा मिंट का एक पीस है, तो अगर आपके पास में 1991 का नोएडा मिंट का 1 रुपए का सिक्का है तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। जिसमें आपको स्पेशली देखने की चीज है वो ये है कि सिक्के के अंदर ईयर के नीचे यहाँ पे राउंड डॉट देखना है। अगर यहाँ पे राउंड डॉट बना हुआ है तो आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी nanduzart_rg23 पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने सिक्के के बारे में क्लियर कर सकते हैं। तो गाइस, मैंने जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन का जवाब दे दिया है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।